हेलो डियर फ्रेंड्स, रीट का एग्जाम आपका हो गया और दो चार दिन आपको एग्जाम दिए हुए हो गए हैं। कट ऑफ का आइडिया अब तक आपको हो गया होगा। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपने देखा होगा कि कोई बोल रहा है 70% अराउंड। मुझे ऐसा लगा 70% अराउंड अगर आपके बन रहे हैं तो आप श्योर सेलेक्ट हो जनरल कैटेगरी, और फिर आप देखते जाइए कितना कुछ है। और कट ऑफ का आइडिया देखो, मैं तो कट ऑफ पे वीडियो बनाती भी नहीं हूँ कभी, और क्योंकि मैं जज नहीं कर सकती कि कितना क्या कुछ होगा। मैं बहुत सारा जनरलाइजेशन मैंने किया है, तो आपको ज्यादा आइडिया होगा इसका कट ऑफ के बारे में। अभी कुछ कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ और वो बर्डन में होंगे और टेंशन में होंगे। खैर, वो जायज है, और इतने दो तीन दिन से आपको बहुत सारे लोगों से सुनने को मिल रहा होगा, या फिर आपके घर वालों से, आप खुद किसी से नहीं सुनने को मिल रहा है तो आप खुद से खुद को ही सुना रहे होंगे। तो बहुत सारी चीजें आपके साथ हो रही है, लेकिन अभी आपको उभरना पड़ेगा इन सब चीजों से और खुद के लिए फिर से खड़ा होना पड़ेगा। आप सोच सकते हो कि मैं बोल रही हूँ कि हमारे लिए इतना आसान नहीं है। मुझे पता है कुछ लोग 4 साल से, 5 साल से, कुछ कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो 10 साल से भी इनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मुश्किल है अगर पेपर कुछ का खराब हुआ है, थोड़ी बहुत कुछ सिली मिस्टेक्स हो गई है। तो पहला काम आप ये करें कि अभी जो भी आपकी मिस्टेक्स हुई है उनको आप एक नोट्स की तरह लिख लेवे कि मैंने ये सही नहीं किया, टाइम मैनेजमेंट सही नहीं किया, मेरे साथ इस दिन ये प्रॉब्लम्स हुई, सिली मिस्टेक्स हुई, ये हुआ, वो हुआ, क्वेश्चन पढ़ने में गलती हुआ, जो भी हुआ, या मैंने किसी सब्जेक्ट को ढंग से तैयार नहीं किया, रिवीजन नहीं किया, या फिर टेस्ट काफी नहीं दिए थे। कुछ भी रीजन आपके साथ हो सकता है, अलग अलग कैंडिडेट्स के साथ अलग अलग रीजन्स होते हैं, तो वो सब आपको देखना है। क्यों? क्योंकि आज आप जिस बर्डन को फील कर रहे हो, जिस प्रेशर को फील कर रहे हो, अगर आप इन फ्यूचर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो फिर आप है ना वापस उसी तरीके से जाओगे जिस तरीके से फर्स्ट टाइम आपने तैयारी स्टार्ट की। हम चीजों को फिर से डेप्थ में जाएंगे। आपने देखा होगा जीके का जो पेपर आया था कितना इजी सा पेपर आया था, और मैंने तो बहुत शॉर्ट नोट्स दिए थे आपको और उनमें से आ गया, तो उतने ही पढ़ो ना, क्यों आप डेप्थ में जाते हो? अभी सब बोल रहे हैं मेरे में से इतना आ गया, मेरे में से इतना आ गया, सबके में से सब आया, जीके का पेपर था ही इतना इजी, और अपना शॉर्ट नोट्स है वो खुद आप जज कर रहे हो। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि कितना कुछ आया, वो आपको सबको पता है कि अपने में से कितना आया, आप कितने सेटिस्फाई हो, वो सबको पता लग रहा है आपको। अभी काम आपको ये करना है कि आपकी गलतियां हुई क्या क्या, वो लिख लेना है ताकि इन फ्यूचर आप गलती ना करें। एक तो होता है कि स्टूडेंट सारे के सारे होते हैं बहुत डेप्थ में चले जाते हैं किसी चैप्टर को पढ़ते टाइम, तो सिलेबस कवर नहीं हो पाता है। ये मैं चीजें बार बार बोलती हूँ, हम फिर मिस्टेक्स कर जाते हैं, लास्ट टाइम हम फिर रिवीजन नहीं करते हैं। अभी इन सब ये लिख के इन सब चीजों से आपको उभरना पड़ेगा, फिर से आपको उठना पड़ेगा। अब आपको सोचना पड़ेगा कि अब कौन कौन सी वैकेंसीज मेरे लिए आ रही है। 2023 में घोषणा कर रखी है अभी की 1 लाख वैकेंसीज आएगी, उसमें फर्स्ट ग्रेड की डेफिनेटली आएगी, सेकेंड ग्रेड की भी आ सकती है, ऐसा है। और अभी आपको अगर आपने एमएएमएससी कुछ कंप्लीट कर रखा है, बीएड कंप्लीट कर रखा है, तो आपको फर्स्ट ग्रेड पर फोकस करना है। 2024 में डेफिनेटली फर्स्ट ग्रेड होगी। कुछ लोग आरएएस के लिए जा सकते हैं, और कुछ लोग देखो बहुत ना, कुछ लेवल 1 के हैं, कुछ लेवल 2 के हैं, कुछ ने बीएड कर रखी है, कुछ बीएड अपेयरिंग है। तो आप बीएड अपेयरिंग है मीन्स आपके लिए क्या है, सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की आप कर सकते हो, रीट की आप वापस से कर सकते हो। लेकिन अभी जिन्होंने रीट की तैयारी की है उन्होंने रीट का सिलेबस ऑलमोस्ट पढ़ा हुआ है, रीट के बारे में पूरा जानते हैं, तो अभी उनको फोकस करना चाहिए सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड पर। जिनको केवल टीचर बनना है और जो चाहते हैं कि ना मैं मुझे मुझे मैं प्रशासन में भी जा सकता हूँ, वहां पे भी अच्छा कर सकता हूँ, तो आरएएस की वैकेंसी ऑलमोस्ट भेजी जा चुकी है, तो आरएएस की वैकेंसी आएगी, 2024 तक एग्जाम भी हो जाएगा, तो उसके लिए आप जा सकते हो। तो अगर आरएएस आप कर लेते हो तो ये सारी कुछ नहीं है, फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड, तो उसके लिए आप तैयारी कीजिए, तैयारी करना स्टार्ट करिए। कुछ लोगों ने ईओआरओ के फॉर्म भरे हुए हैं, तो ईओआरओ की तैयारी जीके वाली हो ही रखी है। अलग क्या पढ़ना है, तो अलग आपको पढ़ना है नगर पालिका वाला अधिनियम, तो वो एक बुक आप ले लीजिए, छोटी सी बुक है नगर पालिका अधिनियम की, वो आप पढ़ सकते हो। उसका जून में करीब एग्जाम है, तो
और आपने देखा होगा कि जो मैथ्स से सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था काफी टफ पेपर आया था इस बार 2021 का, 2018 से काफी टफ था। 2018 में जहां पे 11, 12 के ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे वहीं पे इस बार बीएससी पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन लिए हैं, तो आपको सारी चीजें मैनेज करके चलनी पड़ेगी। सबसे पहले अगर आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की, तो आपको 12th 11th की एनसीईआरटी सोल्व करना है। अगर ये आप एनसीईआरटी सोल्व कर लेते हो तो एक कॉन्फिडेंस आपका बनेगा कि 11th 12th मैंने सोल्व कर ली है। वहां पर होता क्या है, सेम टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप वो क्लियर कर लेते हो तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपके बन जाते हैं। फिर जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है वो आपको बनाना है, लेकिन एक बार के लिए अभी आप क्या करोगे, तो अभी आपको एनसीईआरटी सोल्व करना है। तैयारी आप फिर से अभी से स्टार्ट करोगे तो हो पाएगा। मैथ्स थोड़ा लेंदी पोर्शन होता है और शुरू में अगर आपको समझ में भी आ जाता है ना कॉन्सेप्ट, तो आप अप्लाई नहीं कर पाते हो और थोड़ा टाइम चाहिए उसको। पिछला जो टाइम दिया है, पिछला जो एक्सपीरियंस आपने लिया है, चाहे भले आप उसमें फेल हो या पास हो, अगर आपने किसी भी मेहनत की है तो दूसरा मौका जरूर देवे आप। क्योंकि इस बार कहता है ना, इस बार भले ही आप असफल हो लेकिन आप जीरो से शुरुआत नहीं कर रहे हो, इस बार आपके साथ आपका एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस इस बार काम में आएगा। मैंने जब तैयारी की थी फर्स्ट ग्रेड की, उससे पहले मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर चुकी थी, तो मुझे याद है कि जो कॉन्सेप्ट मेरे उस टाइम उतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि मैं सेकंड ग्रेड में भी तैयारी की उनकी, फर्स्ट ग्रेड में मैं पढ़ ही रही थी, साल भर बाद में हुआ एग्जाम तो मैं पढ़ ही रही थी उनको, तो देन जाके कुछ कॉन्सेप्ट मेरे इतने मतलब उनसे हैबिचुअल हो गई, मैं आदत में आ जाते हैं, तो क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व हो जाते हैं फिर, तो वो एक्सपीरियंस आपका काम में आएगा। ऐसा नहीं कि अगर आपका पिछली बार आप सेलेक्ट नहीं हुए तो आप कहीं इस तरीके से सोचो कि नहीं सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड मैथ से मैं नहीं कर सकता हूँ। जीके आपकी पढ़ी हुई है, इस बार बहुत सारा पोर्शन आपका किया हुआ है, बस जरूरत है आपको फिर से उठ खड़ा होने की, फिर से वही जोश और जुनून के साथ, विश्वास के साथ, खुद पे विश्वास करना पड़ेगा आपको कि मैं कर सकता हूँ, कुछ मिस्टेक्स मेरी हुई है लेकिन मैं उसको सुधारूंगा, फिर से मैं करूंगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फिर से आपके साथ चलेगी, उनका फिर से सामना करना है। जीतता वही है जो बार बार मेहनत करता है। अब ज्यादा मैं ये ज्ञान इसलिए नहीं देती हूं कि आप वैसे ही बहुत सारे चैनल से ये ज्ञान लिए हुए होते हो और मैं खुद बर्दाश्त नहीं करती इतना ज्ञान, और बहुत सारी चीजें मैं, कोई लोग एक ही चीज को बहुत अलग अलग तरीके से रिपीट करके आपको बताते रहते हैं, लोग सुनते भी रहते हैं, को मुझे कोई दिक्कत नहीं है सुनने या बताने से। मेरा मैथ्स वालों का हमेशा एक होता है कि फोकस, जैसे मैं शॉर्ट नोट्स, मेरा जो मेथड होता है शॉर्ट नोट्स, जब मैं ऐसे बोलती हूँ कि जब मैंने कोई बात एक बार बोल दी है ना तो मैं इसको घुमा घुमा के नहीं बोल सकती, मुझे एक तरीके से बात बोलना आता है, मैंने वो एक बार में ही बोल दी। इसलिए आप देखते होंगे मैं बहुत ज्यादा मोटिवेशनल वीडियोस नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे, मैंने जो स्ट्रेटेजी जैसे मैं शेयर करती हूँ, तो जो भी बातें मैं बताती हूँ वो बातें एग्जाम के काम आनी है। अब आप उनको बार बार सुनो, 10 बार सुनो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको एक ही बार सुनना है और आपकी लाइफ में उनको उतारना है। लेकिन कुछ फेजेस आपके ऐसे हैं, जैसे अभी के दिन जो भी चल रहे हैं आपके, आप क्या करोगे, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है मत पढ़ो, अभी कुछ दिन आप रेस्ट लो, मूवीज देखो जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, मूवीज देखो, सीरियल्स देखो, या फिर आप खुद को अपग्रेड करने के लिए कुछ ऐसी चीजें देखो, कुछ क्रिएटिविटी देखो जिसमें आप कुछ कर सकते हो, कुछ अच्छा कर सकते हो, वो ऑप्शंस आप देख सकते हो, या कुछ अलग आप जॉब कर रहे हो तो उस जॉब को आप कंटिन्यू कीजिएगा। कुछ दिन जैसे बिल्कुल कोई कुछ नहीं कर रहा है, बिल्कुल पढ़ाई पे ही था और अभी एग्जाम हो गया तो मन नहीं कर रहा है, तो वो लोग क्या करे, तो वो बहुत सारी मूवीज देख सकते हैं, मैं तो ऐसा करती हूँ जनरली, और उससे मूवीज देखते देखते फिर मुझे खुद पे ही ऐसे फील होने लग जाता है कि मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। कभी कभी ऐसा मेरे साथ होता है कि आज मैं लेक्चरर हूँ लेकिन कल
कई बार मुझे डिमोटिवेट, मैं होती हूँ डिमोटिवेट, और उस दौरान मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, उस दौरान पढ़ भी मैं नहीं पाती हूँ, तो मैं आके यूट्यूब ओपन करती हूँ और ऐसे फालतू वीडियोस देखती रहती हूँ, मूवीज कुछ भी देखती रहती हूँ ऐसे। फिर जब मैं एक दिन पूरा दिन वो देखती हूँ तो उसके बाद मुझे खुद पे फील होता है कि मैं अपनी जिंदगी क्यों वेस्ट कर रही हूँ। अगर जिसको अंदर से ये चीजें फील हो रही है ना, उसको किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है, ये अंदर का मोटिवेशन है जो ही काफी है। और वो आपके साथ भी होता होगा क्योंकि इंसान तो सब एक ही जैसे होते हैं। तो मैं जो टाइम वेस्ट करती हूँ ना, फिर मैं 2-3 दिन में डबल एफर्ट करके उस टाइम को वापस मैनेज कर लेती हूँ। तो आपको यही करना होगा और आपको फिर से स्टार्ट करनी है अपनी पढ़ाई। आप बोलोगे इतने दिन से यही तो ज्ञान दे रहे थे आप, फिर यही ज्ञान की फिर से अपन को पढ़ाई करनी है, तो ऑप्शन ही यही है आपके पास, क्योंकि आपने रास्ता ही यही चुना है पढ़ाई वाला, जहाँ आप चाहते हो कि आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट बने। और आपको पता है इतनी सारी जनसंख्या में आपको उन लोगों में आना है जो बहुत चुनिंदा लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। तो फिर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े दुख झेलने पड़ेंगे, जब ही जाके आप उनमें सक्सेस हो पाओगे। देखो हर इंसान ने कुछ ना कुछ तो दुख दर्द झेला हुआ ही होता है, ज्ञान थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा। तो अभी आगे के लिए हमें रणनीति बनानी पड़ेगी और आगे की रणनीति के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। तो मेहनत करिए, फिर से उठ खड़िए, खड़ा होइए और फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है? और जो भी अभी वैकेंसीज आ रही है उन पर फोकस कीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।